और उस अहंकार की लंका को ध्वस्त कर देते हैं, तब सनातन जागृत होता है। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पे खड़े होकर के शंखनाद करते हैं और अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए उद्घोष करते हैं, तब सनातन जागृत होता है। रजत जी, छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा जीवन का संघर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन औरंगजेब के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं करते, तब सनातन जागृत होता है। और रजत जी, महाराणा प्रताप घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं, घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं, लेकिन अकबर के सामने सजदा नहीं करते, तब सनातन जागृत। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जाता है, पूरे जीवन का सर्वोच्च नशावर हो जाता है, लेकिन सनातन से समझौता नहीं करते, तब सनातन जागृत होते। और जो इस बच्ची ने सवाल किया, जो इस बच्ची ने सवाल किया भगवा का, एक भगवा सन्यासी विवेकानंद शिकागो की धरती पर जब विश्वबंधुत्व का उद्घोष करता है, तब सनातन जागृत होता है। एक गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति, चाय वाले के घर में पैदा हुआ व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 500 साल के संघर्ष को खत्म करके जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करता है, तब सनातन जागृत होता है। तब सनातन जागृत।